प्रयागराज में पुलिस की लॉज में घुसकर छात्रों को पीटने की तस्वीरें आने के बाद 6 आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। इन सब पर गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप है। वही प्रयागराज के SSP ने इस पूरे मामले के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि ये एक राजनीतिक साजिश लग रही है, इसके लिए फंडिंग भी हुई है। इसके लिए 11 सदस्य समिति बना दी गई है और जांच आने के बाद निर्वाचन आयोग को भी इस बारे में लिखा जाएगा। दरअसल 24 जनवरी को रेलवे की NTPC परीक्षा के नतीजों को लेकर पटना में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई थी, उसी के विरोध में प्रयागराज के छात्र भी सड़कों पर उतरे थे, लेकिन पुलिस को अब इसमें बड़ी साजिश नजर आ रही है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कर्नलगंज थाने में 1 FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें 3 लोग मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 1 फरार है। I have to live with it.